हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे BHIE 143 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस सेशन को आप सभी जरूर लास्ट तक देखिएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है इसकी जो ना, इसमें जैसे कि आपका इसका सिलेबस के बारे में बताऊंगा, इसकी क्लासेस कहाँ मिलेगी, उसके बाद ये कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इनके बारे में चर्चा करूँगा, जो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। ध्यानपूर्वक सुनिए क्या क्या कहा जा रहा है। तो इसमें देखिए, इसका सब्जेक्ट नेम है आपका पर्यावरण का इतिहास, ठीक है। और इसका जो अधिकतम अंक 100 है, उसका 3 घंटे का समय दिया जाएगा। और नोट में कहा जाता है कि नहीं, 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं 400 शब्दों में। हर एक प्रश्न के उत्तर जो है 400 शब्दों में देने होंगे कम से, और जितने भी खंड दिए गए खंडों में से 2-2 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे आपको, ठीक है। उसके बाद कहा जाता है, मैं कुछ प्रश्नों के बारे में पहले बता देता हूँ, उसके बाद आगे की बातें जो ना बता के चलूँगा धीरे धीरे से, ओके। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन कहा जाता है, पर्यावरण इतिहास पर वाद विवाद पर टिप्पणी कीजिए। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैंने इस क्लास के बारे में, इस क्वेश्चन के बारे में मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। इसकी क्लासेस ऑलरेडी अपलोड है, BHIE 143 के नाम से एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है, ठीक है। और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ सबसे ऊपर में मिल जाएगा। आप उन सभी क्लासों को जरूर कर लीजिएगा और कुछ क्लासेस मैं और भी लाऊंगा जो इस सेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, उनको मैं लाने की कोशिश बहुत ही जल्द कर रहा हूँ। तो आप सभी उस जो ना प्लेलिस्ट को देख लीजिए, उसके बाद वो सेव भी कर सकते हैं, ओके। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। उसके बाद देखिए, कहा था पर्यावरण के साथ खानाबदोश समुदायों के परस्पर संबंध की चर्चा कीजिए। ये क्वेश्चन भी मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है। दोनों के दोनों क्वेश्चन अब तक के जो देखे हैं, दोनों के दोनों क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने एग्जाम से पहले ही अपलोड कर दिया था, ताकि आप सबों के लिए जो ना दिक्कत का सामना ना करना पड़ेगा, और बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने बताया, ठीक है। उसके बाद कहता, मध्यकालीन भारत में ऐतिहासिक घटनाक्रमों को आकार देने में पर्यावरण ने किस प्रकार एक प्रमुख भूमिका निभाई। उसके बाद कहता है, भारतीय दर्शन में जल को किस प्रकार देखा है या वर्णित किया गया है, इस पर चर्चा करना है। तो इसको जो ना, इस क्वेश्चन को देखने के अलावा मैंने प्लेलिस्ट में ही और एक और जो ना सेशन अपलोड कर दिया है, जिसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके पूरा सिलेबस से मैंने पढ़ के सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अपलोड किया है। काफ़ी स्टूडेंट बोलते हैं, सर सिर्फ हमको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दीजिए, सर वो भी मेरे लिए काफ़ी है, ठीक है। तो आप उनको भी देख सकते हैं, उनका भी उसमें जो जितने क्वेश्चन मैंने बताया, उस सारे के सारे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उनको कर लेते तो आपका एक भी क्वेश्चन आउट नहीं आएगा इस, ठीक है। उसके बाद देखिए, यहाँ तक की बातें हुई, आगे की प्रक्रिया देखिए, आगे ऐसे ही वो सब कुछ बताते चला जाऊँगा। उसके बाद कहता है, चर्चा कीजिए कि संरक्षण पर्यावरण इतिहास एक सक्रिय शाखा किस प्रकार है। उसके तहत पारिस्थितिक साम्राज्यवाद क्या है, ये भी मैंने बता रखा है, चर्चा कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन भी, और आपके लिए एक और इंपॉर्टेंट नोटिस है, जैसे कि इस सब्जेक्ट की जो है ना असाइनमेंट में एग्जाम जो हुई थी, उसके क्वेश्चन पेपर को भी पढ़ लीजिएगा। ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है, असाइनमेंट के क्वेश्चन को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ प्लेलिस्ट में जाना है, प्लेलिस्ट में जितना भी सेशन अपलोड है उसको कर लीजिए, और भी बहुत जल्द अपलोड होने वाली है, ठीक है। और जितना है उसके बाद असाइनमेंट के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उससे भी क्वेश्चन देखने को मिलती है, तो उसको देख लीजिएगा। उसके बाद कहता है, 2002 की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की महत्वपूर्ण विशेषताएँ क्या थी, इस पर चर्चा करना है। और नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन कहा जाता है, पारिस्थितिक नारीवाद से आप क्या समझते हैं, इन क्वेश्चन को भी मैंने अपलोड कर रखा है, ठीक है। इन सभी सवालों को जो अच्छे तरीके से मैंने पढ़ाया है, देखिए एग्जाम से पहले मैंने बात पढ़ाया था ये सबसे, ठीक है। ये सभी सेशन के लिए सेम ही है, आपके लिए भी, आने वाले एग्जाम जो आने वाले सेशन वालों के लिए भी सेम ही रहेगा, कोई बदलाव नहीं देखने को मिली है। जब तक सिलेबस चेंज नहीं होगा तब तक वही रहेगा, ठीक है। तो आप सभी उन सेशन को जरूर देख लीजिए, ओके। तो इस सेशन को लाने का यही मकसद था कि आप सबको मैं जानकारियाँ दे दूँ, और बहुत ही जल्द इस सब्जेक्ट का क्लासेस भी अपलोड होने वाली है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें। और सेशन अच्छा लगे तो सो प्लीज़ लाइक जरूर करें, सो प्लीज़ आप सभी थोड़ा थोड़ा सपोर्ट जरूर करें हमें, ओके। तो और कोई भी डाउट हो तो डाउट अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।